हेलो स्टूडेंट्स आइए अब आपकी आज की वर्कशीट देख लेते हैं ये वर्कशीट है आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट ज्योग्राफी की वर्कशीट ये वर्कशीट 24 है 29 अगस्त की सैटरडे की ये वर्कशीट है तो हम जो पिछली वर्कशीट कर रहे थे ये उसी की कंटिन्यूएशन में है हम ये वर्कशीट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे और इस वर्कशीट के बाद हम करेंगे आपकी इंग्लिश की वर्कशीट तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है इस वर्कशीट में आगे चलने से पहले जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आइडिया हो कि इस कंटेंट में क्या है और उन्हें भी ये कंटेंट अच्छे से समझ आ जाए तो अब देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है तो इस वर्कशीट में नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है ऑलरेडी कई वर्कशीट इस पे हो चुकी हैं बस उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट भी है तो यहाँ पर क्रॉप्स के नाम है तो हम तीन क्रॉप्स के बारे में जानेंगे आज अः रबर कॉटन और जूट ऑलरेडी हम शुगर केन के बारे में जान चुके हैं जो कि एक कैश क्रॉप है नकदी फसल है तो वैसे ही कॉटन और जूट भी नकदी फसलें हैं कैश क्रॉप तो उनके बारे में भी हम जानेंगे आज तो इनकी पहले रबर को देख लेते हैं तो इसकी कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या है मतलब किससे ये और ज्यादा बढ़ती है ऐसी कौन सी कंडीशन इसे चाहिए तो वो है कि इट्स अ क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन तो जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां की ये क्रॉप है कि मतलब इसे बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होती है इक्वेटर के पास जो है ये उगती है रेनफॉल इसे चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एंड टेम्परेचर इसे चाहिए 25 डिग्री से ज्यादा ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन साथ ही साथ इसे जो है ह्यूमिड uh, और मॉइस्ट और गीली कंडीशन uh, भी चाहिए ये कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जहाँ पर ये है तो रबड़ जो है वो केरला में तमिलनाडु कर्नाटका अंडमान निकोबार आइलैंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय वहां पर बहुत उगाया जाता है इंडिया जो है वो फिफ्थ अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स है तो जो उत्पादक जो है वो इंडिया जो है पांचवें स्थान पर आता है यहाँ पर अगला है आपका कॉटन तो कॉटन जो है वो uh, किन कंडीशन पे उगता है तो इट ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेकन प्लेटो तो डेकन प्लेटो का जो uh, जो uh, बहुत ही ड्राई एरिया है सूखा हुआ एरिया है वहां पर जो ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहां पर ये बहुत अच्छे से उगता है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए बहुत ही और हल्की बारिश चाहिए लाइट रेनफॉल चाहिए इसे टू टेन जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन इसे चाहिए तो ऐसी इसे कंडीशन चाहिए जहां पर भी बर्फ ना गिरे फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और बिल्कुल तेज तपती धूप इसे चाहिए ये कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये उगाया जाता है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इट वाज फर्स्ट ग्रोन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वहां पर ये सबसे पहले इसे उगाया गया और इंडिया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कॉटन का कपास का फिर तीसरा चलते हैं आपका जूट तो जूट के बारे में बताया गया है कि जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ तो सबसे पहले तो इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए जूट को साथ ही साथ जो फर्टाइल सॉइल्स हैं फ्लड प्लेन्स की जो फर्टाइल सॉइल्स हैं बहुत अच्छी जहां पर मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है वहां पर जूट को बहुत उगाया जाता है ये कहाँ पर मिलता है ये मिलता है वेस्ट बंगाल बिहार आसाम उड़ीसा मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं अब इंडिया इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसका जूट का जूट इज ऑल्सो नोन हैज गोल्डन फाइबर इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये नकदी फसल है कैश क्रॉप्स है ये उगाने के बाद इसे डायरेक्टली बेचा जाता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पैसा इसकी वजह से आता है इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटीरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफर्ट आते उगाया जाता है तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट भी जो है वो बहुत ही ज्यादा है अब क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है तो वहीं इसके में आजकल सिंथेटिक फाइबर भी आ गए हैं तो जूट जो है वो नेचुरल फाइबर होता है प्राकृतिक होता है ये लेकिन वहीं जो है इसके कॉम्पिटिशन में आर्टिफिशियल फाइबर भी आ गए हैं सिंथेटिक जैसे कि नाइलॉन तो उनका आजकल बहुत वो फेमस हो गए हैं पैकिंग मटेरियल में भी यूज होते हैं तो वहां ये जब यूज होने लगा है तो इस वजह से जो है इसकी हाई कॉस्ट की वजह से ये आजकल जो है कम बिकने लगा है तो इसकी मार्केट में जो है डिमांड जो है कम हो गई है अब आगे चलते हैं आपकी इस वर्कशीट में और क्या आगे बताया गया है जल्दी से देख लेते हैं तो इस वर्कशीट में आगे, आगे आपको बताए गए हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स तो आ, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लिए गए हैं कौन से ऐसे बदलाव आए लाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा जिससे कि ये रिफॉर्म आ जाए जिससे कि जो किसान हैं जो ये सब क्रॉप्स उगाते हैं फसलें उगाते हैं उनकी कंडीशन जो है बेहतर बन जाए तो पहला है अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स अरोज रिफॉर्म यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो हुआ ये कि लोग जो है वो क्षेत्रों का बहुत उपयोग कर रहे थे वहां पर खेती कर रहे थे लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आ रहे थे मतलब कि बहुत ही तकनीकी जो है लेवल पे बहुत बदलाव आ रहे थे तो इसीलिए जो है उससे जो एग्रीकल्चर का खेती का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि लोग जो है जितने बदलाव आ रहे थे उसके साथ वो बदलाव के साथ नहीं बदल पा रहे थे उसके साथ नहीं चल पा रहे थे द ग्रोइंग पॉपुलेशन टू इज पोजिंग चैलेंज साथ ही साथ हमारे देश की जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो रहा था किसानों के लिए सरवाइव करना दस फॉलोइंग रिफॉर्म वर अंडरटेकन टू सपोर्ट एग्रीकल्चर तो खेती को सपोर्ट करने के लिए कुछ रिफॉर्म लाए गए कुछ बदलाव लाए गए वो कुछ इस तरह थे ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड वर इंट्रोड्यूस्ड तो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन सफेद और हरा रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया साथ ही साथ एबॉलिशन ऑफ जमींदारी ऑफ लैंड होल्डिंग्स इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड कोऑपरेशन तो पहले जमींदार बहुत हुआ करते थे वो अपना बहुत ज्यादा लैंड जो है ओन करते थे बहुत ज्यादा उनके पास एरिया होता था क्षेत्र होता था और फिर वो जो है मजदूर रखते थे और बहुत ही कम पैसों पर मजदूर रखते थे खेती करने के लिए तो इसको इस जमींदारी सिस्टम को बंद किया गया और जो लोग हड़प लेते थे जो जगह क्षेत्र हड़प लेते थे वो भी बंद किया गया साथ ही साथ कलेक्टिवाइजेशन और कॉपरेशन इंट्रोड्यूस कराई गई जिसमें लोग मिलकर जो है वो खेत ले सकते हैं और खेती कर सकते हैं इनिशिएटिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तो लैंड को कैसे डेवलप किया जाए क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जाए उसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्राम्स जो है शुरू किए गए

वो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो किसानों को मिल सकता है जिससे कि और फिर इस पैसे से वो दोबारा से जो है वो क्रॉप भी उगा सकते हैं और उस सीजन के लिए एटलीस्ट अपना सर्वाइवल कर सकते हैं साथ ही साथ ग्रामीण बैंक भी जो, आ, बनाए गए अब ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव जो है वो भी शुरू करे गए वो इसलिए शुरू करे गए क्योंकि वहां पर लो इंटरेस्ट रेट पे तो मतलब कम ब्याज दर पर जो है किसान जो है वो लोन ले सकते थे ऋण ले सकते थे तो उन उससे क्या होता कि लेने से वो अलग अलग मशीनें खरीद सकते हैं बड़ा एरिया खरीद सकते हैं या और लोगों को काम पर लगा सकते हैं या और अच्छे फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं तो इन सब से जब वो उनके पास पैसा आ जाएगा अच्छा कैपिटल आ जाएगा तो इन सब चीजों को खरीद कर वो और अच्छे से खेती कर सकते हैं और फिर अपना लोन अपना ऋण वो चुका सकते हैं और फिर और ज्यादा वो आगे बढ़ सकते हैं साथ ही साथ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड्स एम्पायर्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये भी शुरू किया तो किसानों के पास क्रेडिट कार्ड आ गया कि वो वहां से पैसा ले सकते थे मतलब पहले पेमेंट कर सकते थे पहले चीज़ें खरीद सकते थे और उसके बाद जो है वो क्रेडिट कार्ड से अंत में वो पेमेंट कर सकते थे साथ ही साथ उन्होंने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम की अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस सिचुएशन में उन्हें पैसा मिलेगा ऐसी भी एक स्कीम शुरू की गई फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिम्यूनिरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू सेव फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन बाय स्क्रूपलेस मिडिलमैन एंड स्पेक्युलेटर्स साथ ही साथ कुछ ऐसे बिचोलिए होते हैं जो प्राइस सेट करते हैं तो अगर जैसे कोई फार्मर जो है कुछ इंपॉर्टेंट फसलें जो हैं जो जरूरी फसलें हैं उनको खरीदने गया है या उनको बेचने गया है तो जो दाम है जिस पर वो खरीदेगा या बेचेगा वो जो है वो हो सकता है कि जो बिचौलिए हैं वो कुछ ऊपर नीचे का दाम लगा दे तो हो सकता है कि इससे किसान को नुकसान भी हो जाए तो इन सब सिचुएशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी शुरू किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि गवर्नमेंट एक प्राइस एक दाम जो है वो घोषित करती है कि भाई इस प्राइस पे ये फसलें बिकेंगी या खरीदी जाएंगी तो वो गवर्नमेंट एक बार अगर ये सेट कर देती है तो आसान हो जाता है किसानों के लिए कि बिना बिचौलियों के वो आसानी से जो है अपनी फसलें जो है खरीद और बेच सकते हैं तो मैं यहाँ आपको हिंदी में भी ये वर्कशीट दिखा देती हूँ यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि हिंदी में भी यही है सेम वर्कशीट है तो रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है इक्विटोरियल फसल है कपास के बारे में भी है और जूट के बारे में भी है साथ ही जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार भी लाए गए जिसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई चकबंदी की गई जमीदारी आदि समाप्त किया गया व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया फसल बीमा का प्रावधान किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों समितियों और बैंकों की स्थापना की गई भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड भी शुरू किए किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार भी घोषणा करती है तो ये सब यहाँ पर चेंजेस आए हैं अब चलते हैं कि मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दिखा देती हूँ मैं जल्दी से आपको हिंदी में प्रश्न पढ़ के सुना देती हूँ फिर हम इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ चलेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे तो नीचे आपको दो फसलें X और Y दी गई हैं, दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करें और उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर दें तो यहाँ पर आपको दो फसलें बताई गई हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर गेस करना है कि वो किस फसल की बात कर रहे हैं तो पहली फसल है एक्स एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है इसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए भारत के कौन से राज्य के इसके प्रमुख उत्पादक हैं तो ये कौन सी फसल है तो अगर आप ऊपर लिस्ट में देखेंगे मैं जल्दी से आपको लिस्ट में भी दिखा देती हूँ तो ये जो है आप देख सकते हैं आप उच्च तापमान चाहिए और पाला रहित दिन और खुल, खुली धूप की आवश्यकता होती है किसको होती है कपास को तो कपास आप इसका उत्तर लिखेंगे एक्स जो है वो है कॉटन या कपास और इसके मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं ये तो आप ये यहाँ पर लिखेंगे इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं तो यही आपका आंसर वन होगा एक्स के बारे में आप यही आंसर लिखेंगे अब चलते हैं आपका सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है वाय एक और रेशेदार फसल है पर यह जमीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है जो मलबरी के पेड़ शैतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है औरतें इस रेशे से बुनी गई साड़ियां पहनती हैं तो आपको गेस्ट करना है कि ये कौन सी फसल है औरतें किस तरह किसके रेशे से बुनी हुई साड़ियां पहनती हैं कौन सा है ये जो कीड़े के कोकून से मिलती है फसल तो जी हाँ इसका उत्तर है रेशम तो रेशम जो है वो रेशम के की कीड़े से मिलता है तो यही इसका उत्तर है आप रेशम यहां लिखेंगे प्रश्न दो है आपका आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है इसके दो उपयोग बताइए बाजार में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है तो जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है आपको जूट के दो यूजेस भी बताने हैं उपयोग बताने हैं और साथ ही साथ बाजार में इसकी मांग कम क्यों होती जा रही है तो ऑलरेडी मैंने आपको ये आंसर जो है समझा दिया है डिस्क्रिप्शन में तो अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से वो वीडियो में आप सुन सकते हैं मैं यहाँ पर आपको जल्दी से ये आंसर दिखा देती हूँ तो जैसा मैंने आपको बताया आंसर वन जो है उसमें एक्स जो है वो कॉटन है जरूर आप ऊपर से ये देख लीजिएगा तो इसको अधूरा मत छोड़िएगा ऊपर से आप देख लीजिए कि जो उत्पादक राज्य जो हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं फिर आपको वाई में बस लिखना है कि वो सिल्क प्राकृतिक रेशम की बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर यही है कि जूट को गोल्डन फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडिया और इसकी प्रोडक्शन से हमारी इकोनमी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है और इसके क्या क्या यूजेस है तो यहां पर हमने आपको चार यूजेस बताए हैं तो ये रोप्स बन सकती हैं रस्सियां बन सकती हैं टोकरी बास्केट बन सकते हैं कपड़े क्लॉथ्स क्लोथ बन सकते हैं और बैग्स बैग bag भी बन सकते हैं तो चार यूजेस आपको बताए हैं आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं अगर आपको कोई यूज पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं और फिर रीजन में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्योंकि सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं जो कि इससे सस्ते होते हैं तो इसलिए इसकी जो है मांग कम हो रही है अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है किशोरा एक एकड़ की जमीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है आपको क्या लगता है निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी है तो ग्रामीण बैंक न्यूनतम निर्धारित मूल्य फसल बीमा का जो प्रावधान है तो ये तीन चीजों से उसकी दशा किशोरा की दशा जो एक छोटा सा किसान है एक एकड़ जमीन के टुकड़े पर वो खेती करता है उसकी दशा कैसे सुधरी होगी तो यहाँ इंग्लिश की वर्कशीट में मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है सेम ही क्वेश्चन है तो इंग्लिश में इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं ये आपका सैम्पल आंसर है मैं ऑलरेडी इसको समझा भी चुकी हूँ वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो आप दोबारा कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और दोबारा से मैं आपको ये हिंदी में भी दिखा देती हूँ हिंदी में थर्ड आंसर दिखाने से पहले आप एक बार ये क्वेश्चंस इंग्लिश में भी देख लीजिए याद रखिएगा कि ये पार्ट ए में आपको क्रॉप लिखना है कपास या कॉटन और फिर कहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है वो आपको ऊपर से वर्कशीट में लिखने हैं जो मैंने आपको हिंदी की वर्कशीट में समझाए हैं वाई में जो है वाई रेशम है सिल्क है और सेकंड का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ कि हिंदी में क्वेश्चन थ्री का आंसर आप कैसे लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं तो उपज बढ़ाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अधिक भूमि और या फिर और मशीन खरीदने के लिए किशोरा ग्रामीण बैंक से कम ब्याज दरों पर ऋण ले सकता है तो आपको ग्रामीण बैंक का यूज बताना है फिर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यूज यहाँ बी में बताएंगे और क्रॉप इंश्योरेंस का यूज आप यहाँ पर बताएंगे तो आप ये आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहें तो अपने शब्दों में जरूर इन इस इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी अब चलते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ तो आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट है वो अगेन वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फोर है और ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट की ये वर्कशीट है ये वर्कशीट है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पोएम तो यहाँ पर एक पोयम है और उसका आपको कॉम्प्रीहेंशन आपको बताना है तो ये जो पोयम है बहुत ही फेमस पोयम है ये ये पोयम है रबीन्द्र टैगोर की पोयम पेपर बोट्स और बहुत ही फेमस बहुत ही प्यारी सी पोयम है ये तो ये पोयम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी चो, सी पिक तो ये पिक्चर आप देख लीजिए ये जो पिक्चर है ये है शिवली फ्लावर्स की तो ये शिवली नाम के फूल हैं अगर आपके आसपास शिवली का पौधा है कहीं तो आप ये देख सकते हैं कि ये शिवली नाम के पौधे में ये ऐसे फूल आते हैं तो ये जो है मैं इसलिए पिक्चर दिखा रही हूँ क्योंकि इस पोयम में इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है तो जब मैं पढ़ूंगी तो आपको ये दिख जाएगा तो डे बाय आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम तो मैं दिन प्रतिदिन मैं अपने जो पेपर बोट है ये छोटी सी मैंने कागज की जो नाव बनाई है ये मैं एक एक करके जो है जो रनिंग स्ट्रीम है चलती हुई जो नहर है मैं उसमें उसे फ्लोट कराता हूं उसको तैराता हूँ इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेर आई लिव तो वहां पर मैं बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखता हूँ और साथ ही अपने गाँव का नाम लिखता हूँ जहां पर मैं रहता हूँ आई होप दैट समाइंड दम एंड नो हुआ आई एम तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोई कहीं स्ट्रेंज uh, लैंड में दूर के किसी अनजान देश में वहां पर कोई इन मेरी बोट्स को देखेगा इन नावों को देखेगा और उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ श्यूली फ्लार फ्रॉम आर गार्डन एंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने श्यूली फ्लार की बात करी वो यहीं पर है तो मैं इन बोर्ड्स में बहुत सारे ऐसे जो है शूली फ्लावर्स जो है उसमें भर देता हूँ जो मेरे गार्डन के शूली फ्लावर्स हैं एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट तो फिर मैं ये साथ में उम्मीद भी करता हूँ कि जब ये सुबह खिलते हैं तो ये ब्लूम्स ऑफ द डॉन है ये सूरज की पहली किरण के साथ ये फूल खिलते हैं तो ब्लूम्स ऑफ द डॉन जो है यहाँ पर ये शूली फ्लावर्स का इनका मतलब है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो सेफली बहुत ही सुरक्षा के साथ ये रात तक जो है वहां पर जो नई जगह है वहां पर स्ट्रेंज लैंड है वहां पर पहुंच जाएंगे आई लॉन्च my पेपर बोट्स एंड look up into द स्काई एंड सी द तो मैं अपनी पेपर बोट्स को जो है अपने कागज की जो नाव है उसको छोड़ देता हूँ उसको तैरने के लिए आगे भेज देता हूँ और फिर मैं स्काई आसमान की तरफ देखता हूँ और मैं क्या देखता हूं लिटिल क्लाउड्स सेटिंग दी व्हाइट बल्जिंग सेल्स और फिर मैं ये देखता हूँ कि क्लाउड्स ने जो छोटे छोटे वहां पर अः बादल जो आ गए हैं मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने इसको ऐसे हवा भेजी है कि जिससे उसकी सेल्स जो है वो मतलब सेल करने लगी है वो नाव जो है आगे बढ़ने लगी है आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइंड इन देंस दम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा दोस्त तो प्लेमेट मतलब खेलने वाला दोस्त ऐसा दोस्त जिसके साथ मैं खेलता हूँ, मेरा कौन सा दोस्त है आसमान में जो इस इन हवाओं को भेजता है जिससे कि मेरी बोट जो है मेरी नाव जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है रेस करने लगती है वेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई तो जब रात आती है तो मैं अपनी बाहू में अपना सर रख लेता हूँ और मैं ये सपना देखता हूँ कि मेरी बोट, नाइट स्टार्स और मैं ये सपना देखता हूँ कि मेरी जो बोट्स हैं वो आगे आगे बढ़ती चली जा रही हैं जो रात की चांदनी के जो तारे हैं उनके नीचे वो बस आगे रात में बढ़ती चली जा रही है द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लीडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स तो उसके अंदर बोट्स के अंदर कौन है बोट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सोने की जो परियां हैं नींद लाने वाली जो नींद की जो परियां हैं वो उनमें चल रही हैं मेरी बोट के अंदर हैं और साथ ही साथ उनके अंदर लीडिंग का मतलब होता है कि सामान जो रखा जाता है बोट के अंदर जो सामान रखा जाता है उसे लीडिंग कहते हैं तो लीडिंग क्या है उनकी लीडिंग है उनकी बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स तो मेरी बोट किस भरी है मेरी बोट भरी है वो जो नींद की परियां हैं, उनके उनके जो सपने हैं फुल जो सपने हैं जो पूरी कर, टोकरी भर के जो सपने हैं वो सब जो है मेरी नाव में भरे हुए हैं तो ये जो है यहाँ पर पोएट ये सब अः uh, इमेजिन कर रहा है उसने यहाँ पर लिखा है आगे चलते हैं आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन है तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल ही पोयम से है अगर आपने ध्यान से पोयम पढ़ी है ध्यान से सुनी है तो आप ये इजीली कर पाएंगे हम सजेस्ट करेंगे कि पहले आप ये वर्कशीट खुद करें और उसके बाद इस वीडियो में से चेक करें कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं और या फिर आप अपनी टीचर्स के साथ भी जो है आप इसको डिस्कस कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको यहाँ क्या करना है आपको राइट आंसर ढूंढना है और आपको ब्लैंक में फिल करना है तो पहला है आपका द चाइल्ड फ्लोट्स डैश इन द स्ट्रीम तो चाइल्ड जो है नदी में वो जो नहर है उसमें क्या फ्लोट कराता है फूल भेजता है पेपर बोट भेजता है कप भेजता है या अम्ब्रेला भेजता है तो ऑब्वियसली वो पेपर बोट भेज रहा है सेकेंड है द चाइल्ड राइट द नेम ऑफ डैश ऑन द पेपर बोट्स वो पेपर बोट पे क्या लिखता है किसका नाम लिखता है विलेज स्कूल बहन सिस्टर या फ्रेंड कोई दोस्त तो विलेज का वो नाम लिखता है अपना और अपने गांव का अपने विलेज का नाम वो लिखता है फिर द चाइल्ड होप्स पेपर बोट्स तो वो क्या होप करता है कि उसकी पेपर बोट कहां पर किसको मिले कहाज लैंड तो में मिले मार्केट में नहीं प्ले ग्राउंड में नहीं थिएटर में नहीं बल्कि स्टेंज लैंड में कोई उसकी बोट को ढूंढ लेगा फोर्थ है आपका द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर्स इन द पेपर बोट्स तो किसके फूल जो है वो पेपर बोट में डालता है वो शिवली फ्लावर्स, डी ऑप्शन जो है आपका शिवली फ्लावर्स जो है वो अपनी कागज की नाव पेपर बोट में भर देता है डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड तो जो बोट है जो उसकी नाव है उसमें सेल्स जो है वो कौन सेट करेगा मतलब उसे आगे कौन बढ़ाएगा आसमान में ऐसा कौन है तो आसमान में जो है क्लाउड्स बादल जो हैं वो उसकी नाव को आगे बढ़ाएंगे फिर आ जाते हैं आपका सिक्स क्वेश्चन है वेन द नाइट टाइम कम्स द चाइल्ड वॉन्ट्स पेपर बोट्स टू फ्लोट अंडर डैश तो जब रात का समय आएगा तो चाइल्ड क्या चाह रहा है कि जो उसकी कागज की नाव है वो किसके नीचे तैरे पहला है स्टार्स बी है मून फिर क्लाउड्स या ट्री तो याद कीजिए कि वो मिड नाइट स्टार्स की बात कर रहा है वो कह रहा है कि तारों की छाओ में मैं चाहता हूं कि मेरा मेरी जो बोट है वो आगे आगे फ्लोट करे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स तो उसकी पेपर बोट में कौन सेल कर रहा है उसके दोस्त जा रहे हैं उसके टीचर्स जा रहे हैं सोल्जर्स जा रहे हैं या परियाँ जा रही हैं तो so, जैसा अगर आपने ध्यान से सुना है तो नींद की जो परियां हैं वो जा रही है उसकी पेपर बोट्स में द टाइटल ऑफ द पोयम इज ये तो बहुत ही सिंपल है ये पोयम का टाइटल क्या है पेपर बोट्स तो अगेन आपको ऊपर जाके आपको दिख गया होगा इसका आंसर उसके बाद आप आगे चलिए आगे देखते हैं वर्ड फ्रॉम द कैरीड इन तो आपको पोएम में से वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है कि जो शिप में कैरी होती हैं जो चीजें कौन सी कैरी होती है क्या वर्ड है वो ब्लूम का मतलब होता है खिलना प्लेमेट का मतलब होता है वो दोस्त जिसके साथ आप खेलते हैं बल्जिंग का मतलब होता है फूलना या बाहर निकलना लेडिंग का मतलब होता है वो चीजें जो शिप में कैरी होती हैं तो लेडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिर लास्ट है आपका इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर बोट्स आपको क्या लगता है कौन से सीजन में बच्चा जो है वो ये नाव चला रहा होगा समर में विंटर में रेनी में या ऑटम में कोर्स रेनी में जब बारिश हो रही होगी बारिश के मौसम में ही वो ये बोट चलाएगा तो आ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए हमसे और इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए आपकी इस वर्कशीट में इतना ही है थैंक यू